थोड़ी लगा देता। वहाँ जा वहाँ वीडियो बना वहाँ बोल लेता हूँ। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि थाना कोतवाली सीतापुर नगर के मुकदमा अपराध संख्या 3/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबद्ध अभियोग मुजीब अहमद उर्फ सैफू निवासी बंसगंज थाना कोतवाली जनपद सीतापुर इनके व उनके परिवार सदस्यों नौकरों आदि के आर्थिक भौतिक एवं बुनियादी लाभ के लिए गिरोह बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसके एवज में रामकोट पोल्ट्री फार्म के नौकर नजर मोहम्मद व उनके सगे भाई स्वर्गीय मोहम्मद की पत्नी श्रीमती कलीमा बानो व श्रीमती सफीना बानो की जमीन 0.4450 हेक्टेयर जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13/11/2022 के पूर्व किया जाता है। जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश पर अपराधियों विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना महोली पुलिस द्वारा डीएम महोदय के आदेश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने, नशे का कारोबार करने, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैंड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमका करके वसूली करने जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफूर इकबाल निवासी बट्सगंज कोतवाली नगर सीतापुर जो मूल रूप से थाना महोली ग्राम गजपतपुर का निवासी है वहां पर इसके दो भूखंड जब्तीकरण कार्रवाई की गई है जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,10,00,000 रुपया है। इसको कोतवाली नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के तहत 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में। जनपद में ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपने आपराधिक कृत्यों से ऐसी संपत्ति बनाई है इनका सम्यक चिन्हांकन करके इसके नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।